लालची साधु। एक गांव में गोविंद दास अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोविंद दास की माँ बहुत ही कड़क स्वभाव की थी, जिस वजह से वो हमेशा गोविंद और उसकी पत्नी पर चिल्लाती रहती थी, जिससे वो दोनों काफी परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, सरोजिनी काम कर रही होती है, तभी उसकी सास रेखा ने उससे कहा, अरे कहाँ मर गई? मुझे भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं बना है, कल बनेगा क्या? नहीं नहीं माँ जी, बस बन गया, अभी लाती हूँ। और ये कहकर वो अपने आप से बोली, इतनी बूढ़ी हो गई है, ये नहीं कि चुपचाप खा लिया करे, पर नहीं, इन्हें तो 10 बातें सुनानी है, तब जाकर इनका खाना पचता है। इसके बाद सरोजनी अपनी सास रेखा को खाना देती है। तभी वहाँ पर गोविंद दास आ जाता है और वो सरोजनी से कहता है, अरे बड़ी तेज भूख लगी है भाग्यवान, जरा खाना तो ले आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ, आप तब तक मुँह हाथ धो लीजिए। और ये कहकर सरोजनी खाना लेने चली गई। तभी उसकी माँ रेखा ने उससे कहा, खा ले खाना, पहले ये बता, खेत का काम पूरा कर लिया तूने? हाँ मैंने खेत का काम पूरा कर लिया, बस थोड़े बीज बचे हैं, उन्हें बोना बाकी है। तो तू खाना नहीं खाएगा, पहले वो काम पूरा करेगा। तेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से खेत लिया था और तू उसे इसी तरह बर्बाद कर रहा है। अरे माँ पहले खाना तो खा लेने दो, बहुत तेज भूख लगी है। नहीं खाने दूंगी खाना, पहले खेत में बीज बोकर आ, तभी खाना मिलेगा, वरना अभी मैं तुझे डंडे से मारूंगी। अपनी माँ की फटकार से गोविंद दास उल्टे पांव ही वापस लौट जाता है। और जब सरोजनी खाना लेकर आती है तो अपने पति को ना पाकर वो अपनी सास रेखा से कहती है, माँ जी ये कहाँ चले गए, अभी तो खाना मांग रहे थे। वो गया है खेतों पर, क्योंकि अभी तक उसने काम पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। पर कम से कम खाना तो खा लेने देती, वो बहुत भूखे थे। खा लेगा, वैसे भी इतना नहीं कि मरा जा रहा है, चल मेरे लिए 2 रोटी और ले आ। ये सुनकर सरोजनी को काफी गुस्सा आता है कि वो अपने आप तो ठूस ठूस कर खाना खा रही है, मगर मेरे पति को 2 रोटी भी नहीं खाने देती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, रेखा काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो चारपाई पर लेटे लेटे ही हुक्म चलाती रहती थी, जिस वजह से सरोजनी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जब देखो तब हुक्म चलाती रहती है, ये नहीं कि चुपचाप लेटी रहा करे। हे भगवान, अब आप इन्हें जल्दी उठा लीजिए, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, अरे कोई घर पर है तो मुझे भिक्षा दे दें। साधु की आवाज सुनकर सरोजनी भिक्षा देने के लिए जाती है। भिक्षा लेने के बाद साधु देखता है कि सरोजनी कुछ परेशान है, तो वो उससे कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिद्ध पुरुष हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज, आप मेरी सारी परेशानी दूर कर देंगे? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ है। मेरी सास मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाती रहती है और अब तो वो बूढ़ी भी हो चुकी है और चारपाई पर लेटे लेटे ही हुक्म चलाती रहती है, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। अच्छा ऐसी बात है, चल तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ जिससे तेरी सास का स्वर्गवास हो जाएगा, पर इसके बदले में तुझे मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ साधु महाराज, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, बस मुझे मेरी सास से छुटकारा दिलवा दीजिए, मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं तुझे एक औषधि देता हूँ, तू अपनी सास को खाने में मिलाकर उसे दे देना, जिससे तेरी सास को इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी और जिसके बदले तुझे मुझे 1 तोला सोना देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है।
इसके बाद साधु सरोजनी को एक औषधि देता है और सरोजनी अपने गहने साधु को दे देती है, क्योंकि वो अपनी सास से काफी ज्यादा परेशान थी। इसी वजह से उसने बिना सोचे समझे साधु को अपने गहने दे दिए। इसके बाद वो अंदर आई और उसने अपने आप से कहा, अब इस बुढ़िया का आज आखिरी दिन होगा और मैं अब आराम से यहाँ पर रह सकूंगी। बहुत परेशान कर लिया इसने, अब मैं चैन की सांस लूंगी। इसके बाद सरोजनी अपनी सास की थाली लगाती है और उसमें वही औषधि मिला देती है और खाना देने के लिए अपनी सास के पास जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसका पति गोविंद दास आ जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे कहाँ जा रही हो खाना लेकर, इसे अंदर ही रख दो, वैसे भी ये बहुत ज्यादा चिल्लाती है, अगर मर जाएगी ना तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है, पर अगर ये इसी तरह रही तो ये कभी नहीं मरेंगी। इस खाने में एक औषधि मिली हुई है जिससे इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमें भी आराम मिल जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये औषधि मुझे एक साधु ने दी है। इसके बाद वो पूरी बात गोविंद दास को बताती है, जिसे सुनकर गोविंद दास बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद वो सरोजनी से कहता है, ठीक है जाओ जल्दी से जाकर खिला दो खाना, हमें कम से कम शांति तो मिलेगी। उसके बाद सरोजनी खाना ले जाकर रेखा को खिला देती है। जैसे ही रेखा खाना खाती है कुछ देर बाद वो मर जाती है। इसके बाद वो लोग रोने का नाटक करते हैं और फिर उसका क्रियाकर्म कर देते हैं। क्रियाकर्म करते समय उसका बेटा रेखा की लाठी को अपने पास ही रख लेता है। इस पर सरोजनी अपने पति से कहती है, अजी इस लाठी को क्यों नहीं चलाया? अरे ये लाठी बहुत ही मजबूत है, इसे हम जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये माँ की तरह कौन सा हम पर बोझ है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हम आराम से रहेंगे, अब ना कोई चिल्लाने वाला है और ना ही कोई चीखने वाला। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। और ये कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। अभी वो हंस ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वो लाठी गोविंद दास और सरोजनी को मारने लगती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये लाठी कैसे मारने लगी? पता नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अच्छा तुम लोगों को डर लग रहा है, रुको अभी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अरे ये तो माँ जी की आवाज लग रही है, पर माँ जी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि तुम कर्म जलों ने मुझे मार डाला, इसलिए मैं अब तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। जब तक तुम लोगों को सुधार नहीं दूंगी तब तक इसी तरह तुम्हें लाठी से पीटती रहूंगी। क्या ये तो माँ जी का भूत है, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो सोचा था माँ के मर जाने के बाद हमें आराम मिल जाएगा, पर ये तो मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं जीने दे रही है। मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी साधु बाबा के पास जाना चाहिए जिन्होंने हमें वो औषधि दी थी। इसके बाद वो लोग साधु को ढूंढते हैं और वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते उसी साधु के पास पहुंच जाते हैं। वो साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। जब साधु सरोजनी को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है, क्या हुआ तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताएं साधु महाराज, आपने जो औषधि दी थी उससे हमारी सास तो मर गई, पर वो मरने के बाद भूत बन गई और अब हमें बहुत परेशान कर रही है। क्या, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, हमने तो सोचा था कि उनके मरने के बाद हमें शांति मिलेगी, पर बात तो वही रही ना, आपने तो मुझसे एक तोला सोना भी ले लिया। हाँ हाँ पता है मुझे, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, तुम कहीं और जा सकती हो। क्या, पर आप तो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, अब आपको इसका उपाय ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों की बातें सुनकर सभी हैरान होते हैं और उसमें से एक औरत बोली, क्या हुआ सरोजनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताएं,
हमें इस साधु बाबा ने ठग लिया है। ये बहुत ही लालची है। इसने पहले लालच दिया और अब ये अपनी बात से पलट रहा है। ऐसा भी क्या किया इस साधु ने? हाँ हाँ बताओ, इन लोगों को क्या किया? तुम्हें तो पता ही है, अगर तुमने बताया तो मेरे साथ तुम भी फंसोगी। तभी वहाँ पर वो लाठी आ जाती है और साधु को मारने लगती है। अच्छा साधु, तो तू ही है, तूने ही मुझे जहर दिया था, अब मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो उसे बहुत पीटती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर लाठी इस साधु को क्यों पीट रही है। वही साधु चिल्लाता हुआ भागने लगता है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ये काम छोड़ दूंगा, अरे मैं साधु नहीं हूँ। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ, तेरी वजह से ही आज मैं आत्मा बनकर भटक रही हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मैं तो ढोंगी हूँ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। और ये कहकर वो लालची साधु वहाँ से भाग जाता है। साधु के भाग जाने के बाद सरोजनी और गोविंद दास बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी वो लाठी वहाँ आई और उसने उन दोनों से कहा, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मैं बस तुम लोगों को यही बताना चाहती थी कि ये साधु बाबा बहुत ही लालची और ढोंगी होते हैं, तुम्हें कभी भी इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तुमने देखा ना, इनकी बातों में आकर तुमने अपना सोना भी गवा दिया और मुझे भी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इसका कभी भी पश्चाताप नहीं कर पाऊंगी। अब जो हुआ सो हुआ, पर अब तुम लोग अपनी जिंदगी आराम से जीना, और अगर तुम लोगों ने जरा सी भी गलती की तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो लाठी वहाँ से गायब हो जाती है और वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। समोसे बेचने वाली बहू। आशा और उसकी सास गांव-गांव घूमकर समोसे बेचा करती थी। समोसे ले लो, समोसे ले लो, समोसे, समोसे ले लो, समोसा, ताजा ताजा गर्मा गर्म समोसा ले लो। दिन भर समोसा बेचकर दोनों औरतें घर पहुंचती थी, जहां अंकित आराम से सो रहा होता था। अंकित और आशा बचपन से दोस्त थे। बड़े होते होते इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और इन्होंने एक दूसरे से शादी भी कर लिया। अंकित के परिवार में बस उसकी माँ थी। ये दोनों पति पत्नी कम दोस्त ज्यादा थे, इसलिए आशा अपने पति को भी नाम से बुलाती थी। आशा एक हाउसवाइफ थी और अंकित बैंक में नौकरी करता था। 3 महीने पहले अंकित जिस बैंक में नौकरी करता था वो बैंक बंद हो गया। अंकित की नौकरी जाते ही सास बहू ने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। अब उनका घर समोसे के भरोसे ही चल रहा था। आशा सीधी सादी थी और मेहनती भी, और बिना कुछ बोले घर का काम भी किया करती थी और बाजार में समोसे भी बेचा करती थी। वहीं अंकित दिन भर घर पे पड़ा रहता था। ये बात अंकित की माँ को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अंकित को घर बैठे पूरे 3 महीने हो गए थे। अंकित अब क्या सोच रहा है? किसका? अपनी नौकरी का। आज पूरे 3 महीने हो गए तुझे घर बैठे। हाँ पता है माँ, नौकरी तो ढूंढ ही रहा हूँ पर मिल ही नहीं रही, और जो मिल रही है वो कम पैसे दे रहे हैं, तुम्हें तो पता है ना माँ। तो क्या हुआ अगर कम पैसे हैं? कम से कम काम तो है, जाकर नौकरी पकड़। ना मुझे नहीं करनी है कम पैसों पर नौकरी, वैसे भी घर तो चल ही रहा है ना। हाँ चल रहा है, क्योंकि बहू और मैं कमाते हैं, पर तू घर का मर्द होकर घर पर पड़ा रहता है, ये भला कोई अच्छी बात है क्या? माँ अब तुम ताने मत मारो, ढूंढ लूंगा काम। ढूंढ
ढूंढ ले, वरना गांव वाले भी ताने मारेंगे। और तुझे लाइट बिल भरने को कहा था, उसका क्या हुआ? ओ, मैं तो भूल ही गया था, आज चला जाता हूँ। तभी घर की लाइट चली जाती है। माँ अंकित के आलसीपन से तंग आ गई थी और अंकित को डांट रही थी। अंकित हर काम कल के लिए छोड़ देता और वो कल कभी नहीं आता है। जैसा माँ ने सोचा था, गांव वाले भी बातें बनाने लगे। अरे ये तो वही है ना, निकम्मा अंकित। हाँ, सुना है इसकी पत्नी बहुत अच्छे समोसे बनाती है, वो समोसा बेचकर पैसे कमाती है और ये दिन भर घर पर पड़ा रहता है। अंकित की माँ ये सब सुन नहीं सकती थी। उन्होंने ठान लिया कि वो अंकित को सही रास्ते पर लाकर ही रहेंगी। वो घर आई और उन्होंने अंकित को अपने पास बुलाया। अंकित, यहाँ आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे कहानी सुनाएंगी। किसने कहा? कहानी बस बच्चों के लिए होती है। ये कहानी तेरे लिए है और ये तुझे सुननी ही चाहिए। अच्छा सुनाओ। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। पत्नी घर घर जाकर घर का काम किया करती थी और पति मजदूरी किया करता था। एक रात दोनों खाना खा रहे थे। अच्छा हुआ आज आपको मजदूरी का काम मिल गया, नहीं तो आज भी भूखे पेट सोना पड़ता हमें। हाँ, आज का तो हो गया, ना जाने कल का क्या हो। ना जाने भगवान ने हमारी जिंदगी में इतने सारे कष्ट क्यों दिए हैं। ना जाने हमसे का दुश्मनी है ऊपर वाले को, तभी इतनी घोर परेशानियों में फंसा दिया है। दोनों पति पत्नी हर रात भगवान को कोसते, बहुत भला बुरा कहते। अपनी सारी मुश्किलों के लिए वो भगवान को कसूरवार समझते थे और जो भी अंट शंट मन में आता वो कहकर सो जाया करते। एक ऐसी ही रात की बात है, आधी रात के समय उनके घर एक साधु आया और दरवाजा खटखटाने लगा। कोई है क्या घर में? मेरी मदद कर दो। ए जी, उठिए, देखिए इतनी रात में कौन घर का दरवाजा ठोक रहा है। रुको रुको, जाता हूँ। पति ने उठकर दरवाजा खोला। बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर दे। हमसे हो पाएगा तो जरूर करेंगे मदद, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है बेटा, बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे थोड़ा भोजन दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। पति भीतर गया और बिना कुछ सोचे समझे जो भी खाना घर पर था वो साधु के लिए परोस दिया। बाबा, मैं आपको पेट भर के खाना तो नहीं खिला सकता हूँ, पर जो भी भोजन मेरे पास है मैंने सब आपके लिए परोस दिया है। तूने जितना दिया है वही काफी है। साधु जी ने खाना खाना शुरू कर दिया और साधु महाराज समझ गए कि घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति ने साधु महाराज को खाना खिलाया। इस बात से वो बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस व्यक्ति का उद्धार करके ही जाएंगे। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो, ये पारस पत्थर है। इस पत्थर को किसी भी लोहे से लगाओगे तो वो पत्थर सोने का बन जाएगा। मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और ये पारस पत्थर ले जाऊंगा। तब तक ये तुम्हारा है, इसका लाभ उठाओ। अब मैं चलता हूँ। पति ने पारस पत्थर तो ले लिया, पर उसने साधु महाराज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो वापस जाकर सो गया। अगली सुबह पत्नी बचे हुए खाने को गरम करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि बर्तन तो बिल्कुल खाली है। सुनिए जी, बचा हुआ खाना कहाँ गया?
क्या आपने सब खा लिया अकेले? नहीं, हम नहीं खाए। खाना तो कल रात में ही खत्म हो गया था। रात में साधु बाबा आए थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी तो हमने बचा हुआ खाना उन्हें खिला दिया। क्या हमारे खुद के खाने के लिए लाले पड़े हैं और आपने साधु को खाना खिला दिया, और अब हम क्या खाएंगे? क्या हम दोनों अब पूरे दिन भूखे रहेंगे? हमने इतना नहीं सोचा, बस खिला दिया। और उन्होंने ये पारस पत्थर दिए हैं, कह रहे थे ये पारस पत्थर किसी भी लोहे में लगाओगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा। काहे का पारस पत्थर? पत्नी ने वो पत्थर लिया और गुस्से में वो पत्थर एक लोहे के बर्तन में दे मारा। पत्थर के छूते ही वो बर्तन सोने का हो गया। पत्नी ने बर्तन नहीं देखा। वो साधु महाराज आपको उल्लू बना गए जी, ऐसा सच में कुछ थोड़ी ना होता है। पति की नजर बर्तन की ओर गई। हे भगवान, वो देखो, बर्तन तो सच में सोने का बन गया है। देखो देखो, सोने का बर्तन देखकर उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। अब हम अमीर बन जाएंगे, हम हर दिन पेट भर के खाना खाएंगे, जो मन चाहे वो खरीदेंगे। हाँ, ये सोने के बर्तन बाजार में बेच आता हूँ और अपने खाने के लिए सामान भी लेता आऊंगा। ठीक है जी, आप जाइए। पति बाजार जाता है और सोने का बर्तन बेचकर घर का सामान खरीद लाता है और बचे हुए पैसों से लोहा खरीदने जाता है। भाई, लोहे का दाम क्या है? 25 रुपये किलो। ये तो महंगा है, कुछ दिन पहले 20 रुपये किलो था। हर दिन लोहे का दाम कम ज्यादा होते रहता है। तो मैं कल आऊंगा, शायद कल सस्ता हो जाए। आपको जैसा सही लगे। पति घर चला जाता है और पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा किया आपने, कल लोहे का दाम गिर जाएगा तब ले आना। कोई मूर्ख ही होगा जो महंगे दामों पर लोहा खरीदेगा। अगले दिन लोहे का दाम और बढ़ जाता है। पति इस बार भी लोहा नहीं लेता है, वो इंतजार करता है लोहे के दाम का कम होने का। हर दिन लोहे का दाम बढ़ता ही जाता है और ऐसे ही करते करते एक हफ्ता खत्म हो जाता है और साधु महाराज अपना पारस पत्थर लेने वापस आ जाते हैं। बेटा, ये क्या? मैंने तुझे पारस पत्थर दिया था, पर आज भी तेरे और तेरे घर की हालत पहले जैसी ही दिखाई दे रही है। साधु बाबा, मेरे घर में सब मिट्टी के बर्तन हैं। मैं बाजार गया था लोहा लेने, पर लोहे का दाम ज्यादा था, इसलिए मैं लोहे का दाम कम होने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही लोहे का दाम कम होगा, मैं लोहा ले लूंगा और पारस पत्थर से उसे सोना बना दूंगा। आप एक और दिन के लिए ये पारस पत्थर मुझे दे दीजिए। अरे मूर्ख इंसान, तेरी सोच तेरी उम्र से भी छोटी है। अब मुझे समझ आया, भगवान ने तुझे गरीब क्यों बनाया है, क्योंकि तेरी सोच ही छोटी है। साधु बहुत गुस्से में पारस पत्थर लेकर चले जाते हैं। माँ, मैं उस आदमी की जगह होता तो सारे लोहे खरीद लेता, चाहे मुझे किसी भी दाम पर मिले, और सारे लोहे को सोना बनाकर सोने के दाम पर बेचकर अमीर बन जाता। लेकिन बेटा, आज तू भी उस मूर्ख आदमी की तरह बर्ताव कर रहा है। अभी तुम्हें तुम्हारा समय लोहे की दाम की तरह सस्ता लग रहा है, पर अगर तुम इस समय का सही उपयोग करो, सही दिशा में चलो, तो एक दिन यही वक्त सोने की तरह मूल्यवान बन जाएगा। पारस पत्थर तो तुम खुद हो जो लोहे को सोने का बना सकते हो। लाइट कैसे आई? लाइट के साथ आशा भी घर आई। मुझे पता था कि आप लाइट बिल नहीं भरोगे, इसीलिए मैंने भर दिया।
अंकित समझ गया कि माँ उसे क्या समझाना चाहती थी। 2 दिनों के अंदर अंकित ने दूसरी बैंक में जॉब ढूंढ ली और ये देखकर माँ और आशा दोनों बहुत खुश हुए। 1 साल के अंदर अंकित बैंक का मैनेजर बन जाता है और उस दिन के बाद से अंकित आलस छोड़ देता है। उसे समय की अहमियत समझ आ गई थी और वो सही टाइम पर हर काम करता है। वक्त तो पारस पत्थर है, जिसका सही उपयोग करोगे तो सच में सोने जैसी जिंदगी बन जाएगी। इसीलिए आलस में आकर समय व्यर्थ मत करो।